सबसे बड़ा समस्या यही है आजकल ट्रैफिक, सिर्फ जामे रहता है, तो इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं? दरभंगा शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। दरभंगा का मैं आज ट्रैफिक दिखा रहा हूँ, दरभंगा का देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे जाम बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी दरभंगा में हूँ नहरिया चौराहे के पास। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं है, कितना जाम लगा हुआ है। जहाँ तक आप देखेंगे जाम ही जाम है। ये एम्बुलेंस देख सकते हैं दोस्तों, दरभंगा शहर का क्या हाल है आप खुद देखें, जाम की क्या स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे जाम ही जाम है। अब दरभंगा शहर का आप देख सकते हैं, शाम के 7 बज रहे हैं इस वक्त है दरभंगा का हाल। आप खुद से देखें पुलिस की गाड़ी है, फिर भी कोई असर नहीं है जाम को। धीरे धीरे पुलिस वाले लगता है कि अब जाम में छुटा है दोस्तों। आप खुद देखें ये ड्राइवर एम्बुलेंस। भैया दरभंगा में ऐसे ही जाम लगा रहता है क्या? अच्छा देख सकते हैं, देखिए आप खुद देखें, ये देखिए आप धीरे धीरे दरभंगा शहर की हालत आप खुद देख सकते हैं। ये हालांकि बनवे है, फिर भी बनवे पे भी जाम इस तरह लगा रहता है आए दिन। ये दरभंगा शहर की बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, देख सकते हैं हम धीरे धीरे जाम खुला है। अभी भी जाम की स्थिति उधर में जस का तस, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पुलिस के आने से कुछ जाम को राहत मिली, देख सकते हैं हम धीरे धीरे गाड़ी निकल रही है। देख जाम आगे लग चुका है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आए दिन दरभंगा शहर की ऐसे ही हालत है जाम। दरभंगा शहर का देखा जाए तो पूरे बिहार का ही कहें आप, जितने भी शहर हैं बिहार में सब शहर का यही हाल है लगभग। समस्तीपुर चले जाए वहाँ तो और बहुत बुरा हाल है। देखिए अब उधर में जाम लग चुका है ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे मैं दिखाता हूँ, आगे भी अब जाम लग चुका है। आप देख सकते हैं अभी दरभंगा लहरिया सराय टावर क्लॉक टावर के पास हम लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक चल रही है दोस्तों, क्योंकि दरभंगा की ये सबसे बड़ी समस्या अब देख सकते हैं ट्रैफिक का। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी है, ये देख सकते हैं। अभी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या सर दरभंगा का सबसे बड़ा समस्या यही है आजकल ट्रैफिक? खाली जाम है, सिर्फ जाम ही रहता है, तो इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं? देख सकते हैं बेचारे कितना मेहनत से ये गाड़ी को पास करवा रहे हैं, और ये भी परेशान रहते हैं, ये भी बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों दरभंगा शहर, हालांकि ट्रैफिक वाले भी हैं। देख सकते हैं मैं कोर्ट दरभंगा कोर्ट के पास हूँ, ये लहरिया सराय बहुत नज़दीक है यहाँ से। आप देख सकते हैं ट्रैफिक का हाल, हालांकि अब धीरे धीरे ये पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले काफ़ी मेहनत करने के बाद ये जाम खुलवाए हैं। ये दरभंगा का बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आपको देख सकते हैं, ज़्यादा लाइक करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं आप ट्रैफिक वाले मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देख सकते हैं पुलिस वाले से मैंने बात किया, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि ये दरभंगा की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि धीरे धीरे ओवर ब्रिज बनना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम यहाँ पे बाकी है दोस्तों। हम खुद देख सकते हैं, देखिए दरभंगा शहर से मैंने आपको दिखाया, शाम का 7 बज रहा है, ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं आप। जहाँ भी जाए ये ट्रैफिक ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग आए दिन परेशान होते रहते हैं। मैंने दिखाया था एम्बुलेंस किस तरह फंसा हुआ था ट्रैफिक में, ऐसे ही दरभंगा के जिस तरफ जाएं आप, इसमें बहुत सारे लोगों की भी गलती है, ऑटो चालक की भी गलती होती है, क्योंकि गलत तरीके से वो जहाँ तहाँ घुसा देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या बनी रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलता हूँ मैं किसी नई जगह पे।
दरभंगा शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दरभंगा का मैं आज ट्रैफिक दिखा रहा हूँ, दरभंगा का देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे जाम बना हुआ है। देख सकते हैं, जिधर भी देखेंगे आप, जाम दरभंगा शहर का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, कुछ देखें, देखिए ऑटो की वजह से दरभंगा में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। ये सिर्फ ऑटो ही ऑटो आप देख सकते हैं। देखिए, लोग गलत तरीके से भी घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या यहाँ पे काफ़ी रहती है। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, देखें इधर भी देखें, जाम सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आप ज़्यादातर लोग देख सकते हैं दरभंगा शहर का हालत। ये दरभंगा लहरिया सराय की तरफ ये रास्ता जा रही है, देख सकते हैं आप। आए दिन इसी तरह का यहाँ पे बना रहता है, पूरे शहर का ही ऐसे ही हालत है।